प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी भारती चित्रकला विषय में ज्ञानदूत कार्यक्रम की समन्वयक आज आपके बीच में इस लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानदूत कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान चालू शुरू हुआ है, जिसमें चित्रकला विषय में हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को एक क्लासेस चलाई जाती हैं और प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे सप्ताह में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें आप चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके सामने रिसोर्स पर्सन उपस्थित होते हैं। तो इसी क्रम में मैं जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में कक्षाएं आयोजित की गई थी उसमें जो वो डॉक्टर मुक्ति पारेशर जो अकलंक कोटा में पदस्थापित हैं, इन्होंने सबसे पहले और वो छात्रों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दें। थैंक यू मैम। जो क्लास हुई थी व्हाट इज आर्ट, उस क्लास के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पर देते हैं। बच्चों ने पढ़ा और उनको जो चीज छूट गई थी शायद नोट उसमें पढ़ाने में, उनकी क्यूरियोसिटी को हम क्वेश्चन के माध्यम से, आंसर के माध्यम से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आया, मुक्ति मैम अनम्यूट कीजिए। हो गया मैम? हाँ, अब आ गई आवाज। बोलिए, दोबारा शुरू से बोलिए, कौन सा प्रश्न बोल रही हैं आप? जो पहला प्रश्न आया है, कला को प्रसन्नता देने वाला शब्द क्यों कहा गया है? कला को प्रसन्नता देने वाला शब्द, आनंद देने वाला शब्द क्यों कहा गया है? इसका आंसर है क्योंकि कला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क और ला। तो यहाँ पर क का अर्थ है कामदेव, सौंदर्य, प्रसन्नता और आनंद, और ला का मतलब है देना, यानी कि जो चीज सौंदर्य, प्रसन्नता और आनंद को दे वो कला कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि ललित कला को पांच भागों में किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है, और कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है उसके द्वारा? तो जो हमने पढ़ा था कि कलाओं को दो भागों में बांटा है, ललित कला और व्यावसायिक कला, तो ललित कला को पांच भागों में डिवाइडेशन जो किया गया है वो हिगेल के द्वारा किया गया है, और हिगेल ने अपनी जो ये डिवाइडेशन किया गया है काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में, इसमें इसे हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है जो कि सार्वभौमिक है। हिगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ बताया है और उसी क्रम में उन्होंने रखा है कि सबसे पहले काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। उन्होंने वास्तुकला जो है नहीं, इसमें एक ही डिवाइस है सर। कंटिन्यू करूं? अजय सर, अजय सर हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? मैम प्लीज कंटिन्यू। मुक्ति मैम प्लीज आगे कंटिन्यू करें। अजय सर जी मैम कंटिन्यू करें मैम। सेकंड क्वेश्चन जो था, हिगेल ने पांच भागों में बांटा है ललित कला को और उसी सीक्वेंस को उन्होंने बांटा है काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला।
और इसे हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से मानते हैं। इन्होंने काव्य कला को उच्च स्थान पर रखा है और वास्तुकला को निम्न स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो था, हेगेल ने पांच भागों में बांटा है ललित कला को। रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपरत कलाओं व अरूपरत कलाओं के मुख्य तत्व कौन से हैं। हमने बताया था कि रूपरत कलाएं वो कलाएं हैं जिनका हमें रूप दिखाई देता है। इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला आते हैं, और अरूपरत कला जिसके अंतर्गत संगीत एवं काव्य आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपने कि मुख्य तत्व कौन से हैं, तो रूपरत कलाओं को बनाने के लिए चित्रकला, मूर्तिकला, इनके लिए हमारे जो तत्व हैं वो छह तत्व हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। लाइंस, फॉर्म्स, कलर्स, टोन्स, टेक्सचर और स्पेस। और अरूपरत कलाएं जो थी संगीत एवं काव्य, इसको हम इसके जो तत्व हैं वो बेस हैं ध्वनि व शब्द, क्योंकि शब्द होंगे और ध्वनि होगी तभी इस कला को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कलाएं व गतिशील कलाएं किसे कहा गया है, इसके अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं। तो स्थिर कलाओं के अंदर हम चित्र, मूर्ति और स्थापत्य को रखते हैं, इन्हें स्टैटिक आर्ट्स भी कहा जाता है, और गतिशील कलाओं को डायनेमिक आर्ट बोलते हैं, और इन कलाओं के अंतर्गत संगीत, नृत्य और काव्य को रखा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि निष्पादन कला और दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट में डिफरेंसेस क्या हैं? तो दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट के अंतर्गत कलाकार जो है वो इन चीजों का, सामान का उपयोग करके अपनी कला में भौतिक वस्तुओं को दिखाने का प्रयास करता है, जैसे चित्रण हुआ, शिल्प हुआ। अब परफॉर्मिंग आर्ट यानी निष्पादन कला जो है, इसमें कलाकार अपनी शारीरिक जो उसकी एक्टिविटीज हैं, उसका मुख है, उसके भाव हैं, उसकी भाव भंगिमा आदि का प्रयोग करके कला का प्रदर्शन करता है। इसके अंतर्गत हम नृत्य, संगीत, जादू, कठपुतली, सर्कस, भाषण, ये सब रख सकते हैं। और जो पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे भी जो होते हैं, जो मैनेज करते हैं इस आर्ट को, उनको भी कलाकारों के, इस परफॉर्मिंग कलाकार के रूप में हम जानते हैं। तो ये पांच क्वेश्चंस थे और ये इनका आंसर मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ति पारेश्वर जी, आपने बच्चों की जो जिज्ञासाएं थी उनको मेरे ख्याल से पूरी तरह शांत करने की कोशिश की है। अब इसी क्रम में हमारे सेकंड जो क्लास हुई थी, लाइव सेशन जो हुआ था, वो कृष्ण कुमार जी का था जो SVS यूनिवर्सिटी मेरठ में पदस्थापित हैं। आपने रैपिड स्केच के बारे में उसकी तकनीक, आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। शालिनी मैम, शालिनी मैम, शालिनी मैम, यस, शालिनी मैम आप आ रही है क्या? आपने यूट्यूब चला रखा है शायद? मैम एक डिवाइस बंद करिए, लास्ट मतलब एक भी डिवाइस नहीं, मेरा सिर्फ एक ही डिवाइस चल रहा है। आपका यूट्यूब चल रहा है किसी का साथ में? नहीं, मेरा नहीं चल रहा। किसी का यूट्यूब चल रहा है। किसी का यूट्यूब चल रहा है।
अजय सर, अजय सर जी मैम बोलिए। अब स्टार्ट करूं? अब मैम आप आपके यहीं से ही आवाज आ रही है दो डिवाइस। नहीं मेरी तरफ तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पीछे रिपीट हो रहा है आपके साथ साथ। पता नहीं मेरे तो है नहीं, मैं दोबारा एक बार लॉगिन करूँ। अब सही हुआ है, अब सही हुआ है। नहीं तो मैंने चला ही नहीं। कोई बात नहीं, कृष्ण कुमार जी शुरू करिए प्लीज। हाँ जी, वो वापस रिपीट करूँ, मैं मुक्ति मैम को थैंक्स दिया मैंने जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ति पारेश्वर जी, आपने आशा है सभी बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। इसी क्रम में लाइव क्लास की दूसरी क्लास जो थी वो कृष्ण कुमार जी ने ली थी, और जो कि SVS यूनिवर्सिटी मेरठ में पद स्थापित हैं, उन्होंने रैपिड स्केच की तकनीक के बारे में बच्चों से बात की थी। और चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं अब उनको आमंत्रित करती हूँ कि कृष्ण कुमार जी आप हमारे बीच आए और बच्चों के जिज्ञासाओं को शांत करें। थैंक यू मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम सेशन में मैंने स्केचिंग के बारे में बताया था सभी, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें क्लियर थी, बट कुछ कंफ्यूजन थे। तो बच्चों ने ये भी पूछा है कि पेंसिल्स कौन कौन सी यूज में लेनी चाहिए, ठीक है, रैपिड स्केच में कौन कौन सी पेंसिल यूज में लेनी चाहिए, और कौन सी पेंसिल ज्यादा बेहतर है, सस्ती भी हो और अच्छा उसका इम्पेक्ट भी पड़े। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मोस्टली यूज में लेता हूँ आर्ट लाइन पेंसिल, क्योंकि हमारे पास अगर इंडिया में देखा जाए तो गिनती की दो चार ब्रांड है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये कि हमारे यहाँ और बाहर विदेशों में बहुत कम, बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा ये जो डिफरेंस है वो स्टेशनरी का, हमें उतनी अच्छी स्टेशनरी उचित दामों में अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हमें ढूंढनी पड़ती है कि बेस्ट क्वालिटी कम दाम में कौन सी है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आर्ट लाइन सबसे बेस्ट क्वालिटी है। मैंने उसकी पेंसिल्स मैं 4-5 साल से यूज में ले रहा हूँ, बहुत बेस्ट है आर्ट लाइन। अगर उसकी जगह आप अप्सरा में जाएं, उसकी जगह आप कैमलिन लें और फेबर कैसल लें, तो उनका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आर्ट लाइन की पेंसिल आप यूज में लें, और जब लाइव स्केच कर रहे हैं, रैपिड स्केच कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें 8B, 6B और 10B, ये तीन जो शेड्स हैं इनको यूज में लें। इनको यूज में लेने के पीछे कारण है क्योंकि जो मर्जिंग है, जो स्मूथनेस है, वो ऑलवेज डार्क शेड में आएगी, लाइट में नहीं आएगी। HB, 2B, 4B उनमें कभी भी नहीं आएगी, उनमें ऑलवेज हार्डनेस रहेगी। और जब हम रैपिड स्केच करते हैं तो रैपिड मीन्स पता चल रहा है कि स्पीड चाहिए, तो स्पीड के साथ में स्मूथनेस भी चाहिए, जो हल्के से फ्लो करे, मतलब बिल्कुल हाथ के साथ में रिएक्ट करे, तो पेंसिल आर्ट लाइन बेस्ट है। उसके अलावा और अगर मैं रेफरेंस दूं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और बढ़े कॉस्ट को लेकर, हल्का सा बढ़े, अगर आप अपनी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, तो आप स्टेडलर है 70 या 50 रुपीज की आती है, स्टेडलर की 8B, 6B। इसमें भी दो तरीके की पेंसिल्स आती है, एक आती है ग्रेफाइट, एक आती है लूनोग्राफ। तो लूनोग्राफ होती है वो मैट फिनिश होती है, वो शाइन नहीं करती। पेंसिल्स के दो शेड होते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है कि शाइन करता है, ग्लॉस होता है, बट स्टेडलर की सबसे खास बात होती है कि वो मैट फिनिश होती है, वो शाइन नहीं करती, लाइटिंग के साथ उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करती है। जैसा लाइट में है, जैसा नॉर्मल लाइट में रहेगी, वैसी ही कृत्रिम लाइट में भी रहेगी। तो आप अगर देखेंगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, बस थोड़ा सा कॉस्ट अगर आप ऊपर, और थोड़ा सा अगर इसके ऊपर मैं कॉस्ट के ऊपर जाऊँ, तो आप कॉन्टे है, पेरिस है, रेम्ब्रांड है, लायरा है, बहुत से जनरल है, बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड है, ठीक है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। तो दिमाग से या जहन से अपने ये चीज निकाल दें कि एक अच्छी पेंसिल यूज में लें, ज्यादा महंगी पेंसिल यूज में लो तो मेरा स्केच अच्छा होगा, नहीं, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस। पेंसिल्स का इतना कोई फर्क नहीं है कि आप जितनी अच्छी पेंसिल लेंगे उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट होगा। मान के चलिए पेपर है, पेपर के लिए मैं बताऊँ, इक्वेशन ये भी है कि पेपर कौन से यूज में लेने चाहिए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट पेपर है जीरोक्स पेपर, जो हमारा फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है, जीरोक्स पेपर 90 GSM होता है, 90 या 70 GSM, तो और शायद 200 या 150 रुपए में पूरा 500 या 1000 का बंडल, कितना कॉस्टली कम है, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर मैं देखा जाऊँ जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े JJ स्कूल ऑफ आर्ट हुआ, MS हुआ, जितने भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, अगर वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कोई कौन सा पेपर रिकमेंडेड किया जाए, तो बाहर जैसे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनमें भी न्यूज़पेपर जिसपे न्यूज़पेपर छपता है वो किलो के भाव से मिलता है, हमारे यहाँ हमारे इंडिया में किलो के भाव से मिलता है, सबसे बेस्ट पेपर है, बट वो इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता, उसके लिए हमें जाना पड़ता है, इधर उधर सर्च करना पड़ता है, बच्चों को नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हमने दूसरा ऑप्शन रखा है जीरोक्स पेपर। दोनों आस ही पास के हैं, लेकिन बेस्ट है न्यूज़ पेपर, वो वाला पेपर बहुत ही, उसकी कॉस्ट शायद 25 पैसे या 50 पैसे एक पड़ती होगी, एक फुल इम्पीरियल साइज पेपर,
तो आप कोर्स देख सकते हैं कितनी कम है और प्रैक्टिस कितनी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरोक्स पेपर हो गया, पेंसिल हमने क्लियर करी थी कि पेंसिल कौन कौन सी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये है कि रैपिड स्केच क्यों जरूरी है, रैपिड स्केच जरूरी क्यों है? तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, रैपिड स्केच इसलिए जरूरी है क्योंकि रैपिड स्केच करते करते ही हम कंपोजिशन सीखते हैं, हमारी लाइंस में फ्लो आता है, फोर्स आता है, मोशन आता है, जेस्चर आता है। तो बहुत सी ये एक एक ड्रॉइंग का मैं कहूँ तो बेसिक इंग्रेडिएंट आपको जरूरी है अगर आप ड्रॉइंग की लाइन में आगे जाएंगे, अकेडमिक वर्क को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको रैपिड स्केच बहुत जरूरी है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, आप सामने कुछ देख रहे हैं क्या उसे आप पेपर पे अच्छे से उतार पाते हैं? नहीं उतार पाते कभी, क्योंकि 100 दिन में 50 दिन में अचानक से कुछ देखा और उसे पेपर पे करने लगे तो वो उतना अच्छा उतना आसानी से नहीं बन पाएगा। बट आपको रेगुलरिटी चाहिए, आप प्रैक्टिस अगर करेंगे रैपिड स्केचिंग डेली तो आपको पता चलेगा कि आप पेपर पे अपने आइडियाज को कितना इजिली ड्रॉ कर पा रहे हैं। इजिली ड्रॉ कर पाना वही रैपिड स्केच का काम है, वो आपके अंदर के डर को हटाता है, रिमूव करता है, आपकी लाइंस में वो पावर देते हैं। लाइंस खींचने से पहले आप सोचते नहीं है कहीं, तो वो पावर कहाँ से अर्न होती है? वो रैपिड स्केच से। एक क्वेश्चन ये है कि हम रेफरेंस कहाँ से लें, जैसे आप करके बता रहे थे ह्यूमन फिगर्स के, तो ये हम रेफरेंस कहाँ से लें? तो मैं सभी बच्चों को यही एक ही चीज बताना चाहूंगा कि रेफरेंस के लिए आप सबसे बेस्ट थिंग है लाइव करें, कोशिश करें लाइव करें, जितना ज्यादा लाइव आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि लाइव करेंगे तो आप चीजों को देखना सीखेंगे, ऑब्जर्व करना सीखेंगे। मोबाइल से हम देख लेंगे, मोबाइल से इजीली है, जैसे मुझे देख पा रहे हैं आप, मेरे चारों तरफ की लाइनें क्लियर दिख रही हैं, बिल्कुल चारों तरफ की लाइनें क्लियर दिख रही होंगी आप। बट अगर मैं क्राउड में खड़ा होता लाइव, एक मेले के दृश्य पे खड़ा होता या किसी आर्ट फेयर में खड़ा होता और मैं इसी तरीके से खड़ा होता, क्या आप मुझे इतना इजीली ड्रॉ कर पाते, ये लाइंस इतना कैच कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे पीछे का क्राउड आपको डिस्टर्ब करता, मेरे पीछे का जो भी कोई जो भी कुछ रहा है वो आपको डिस्टर्ब करता, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आप अच्छे से ड्रॉ नहीं करते। इसलिए मोबाइल से, मैं मोबाइल से, कुछ बच्चे हैं कि सर हमें घर वाले अलाउ नहीं करते बाहर से, क्योंकि लाइव स्केचिंग के लिए आपको स्टे आपको जाना पड़ेगा, तो बाहर कहीं भी जा सकते हो। स्टार्ट आप घर से करें, मम्मी पापा भाई बहन फ्रिज सब कुछ, जरूरी नहीं फिगर ही बनाना है, आसपास की जितनी भी चीजें आप ड्रॉ करते, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सभी को ड्रॉ कर सकते। ठीक है, बाहर रेलवे स्टेशन हुआ, टी स्टॉल हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बना सकते हैं। बट कुछ बच्चे नहीं जा पाते, तो ऐसा है कि पिंटरेस्ट एक अच्छी एप्लीकेशन है, आप वहां पे कुछ भी सर्च करें, गूगल से सर्च ना कर, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पे से सर्च करें, वहां पे आपको हर एक फिगर मिलेगा, हर एक तरीके की सब कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट। बट एक चीज लास्ट में जाते जाते मैं ये बताऊंगा कि पिंटरेस्ट पे से देखकर बनाना और लाइव बनाने में उतना ही फर्क है जैसे कि खाने की प्लेट को अपने सामने देखना और लैपटॉप में देखना, समझ रहे हो? इतना अंतर है, उसके एस्थेटिक से आप उतना दूर चले जाएंगे, उसके मतलब प्योरिटी से उतना दूर चले जाएंगे। तो लाइव जितना कर सकें आप उतना ज्यादा। एक क्वेश्चन ये भी था कि चारकोल पेंसिल्स वगैरह से इनसे भी कर सकते हैं क्या ग्रेफाइट? आप कुछ भी यूज में लें, चारकोल लें, पेंसिल लें, पेन लें, कलर स्केच लें, कुछ भी एनीथिंग, आपको जो आप जो चाहें जिससे कर सकते हैं रैपिड स्केच। बस रैपिड स्केच मीन्स 2 मिनट के अंदर खत्म, ठीक है? 2 मिनट के अंदर हमें सब कुछ फिनिश कर देना, हमारे पास कोई डेडलाइन, आप ये मान के चलो किसी ने सर पे बंदूक रख रखी है और वो बोल रहा है 2 मिनट में खत्म, तो उसी तरीके से, ठीक है? तो 2 मिनट के अंदर ही हमें फिनिश करना है। 2 मिनट से ज्यादा समय लगाओगे तो वो आप डिटेल के अंदर घुस जाओगे, डिटेल में नहीं जाना है, लाइन्स को पावरफुल करना है, इसका मतलब 2 मिनट मैक्स। मैं खुद 1 मिनट में करता हूं, मैं आपको 2 मिनट, ठीक है? तो 2 मिनट इनफ है, बहुत ज्यादा है एक रैपिड स्केच के, ठीक है? बस यही कुछ क्वेश्चंस थे, यही कुछ डाउट्स थे, बाकी तो क्लियर हो गए थे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी आपके इस सेशन के लिए। बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कौन सी पेंसिल और कौन सा पेपर उन्हें ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी क्रम में मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा जी को बुलाती हूँ जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पदस्थापित है, और आपने भरत मुनि के रस निष्पत्ति के बारे में व्याख्यान दिया था, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि जो बच्चों के छात्रों के जो प्रश्न उनके लिए आए हैं आप उनका के समाधान करें। धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अध्ययन विषय रहा वो भरत मुनि का निष्पत्तिवाद सिद्धांत के अंतर्गत उससे संबंधित रहा, और इस निष्पत्तिवाद में सबसे प्रथम जो जिज्ञासा निकल करके आती है वो यही है कि यह रस सिद्धांत किस हमारी कलाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है और कलाओं से रस सिद्धांत किस तरह से संबंधित है।
तो इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि भरतमुनि ने जो अपना रस सिद्धांत दिया वो मतलब नाट्य शास्त्र उनकी पुस्तक में दिया तो वो नाटकों से विशेष संदर्भित था, नाटकों से जुड़ा हुआ था, पर सभी ललित कलाएं नाटकों में सभी ललित कलाओं का समावेश रहा। अतः हम सभी ललित कलाओं जो चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला, इन सब का समावेश नाटकों में उपलब्ध होता है। अतः वो कलाओं के संदर्भ में भी जो का त्यो भारतीय काव्य शास्त्र में उसको स्वीकार कर लिया गया। और जो रस है वो एक तरह से कलात्मक समीक्षा का आधार है। रसों की कसौटी पर कला को एक तरह से कसा जाता है और उसको देखा जाता है कि उसकी गुणवत्ता कितनी है। यदि कलाकृति रसिक्त करने में दर्शकों को, सहृदय को सक्षम है तो वो कलाकृति एक तरह से जीवंत कलाकृति है और उसे रसिक जो संप्रदाय है, भारतीय समीक्षा शास्त्र है कलाओं का, उसमें उसको खरा माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी समझे होंगे कि जो रस मूलतः भारतीय काव्य शास्त्र का विषय है वो किस तरह से नाटकों से निकल करके प्रत्येक कला से अपना जुड़ाव स्थापित करता है। और भारतीय जो समीक्षा शास्त्र है, कलाओं का जो आलोचना शास्त्र है, उसमें भारतीय जो रस सिद्धांत है वो एक तरह से मापदंड की तरह कार्य करता है और इसकी कसौटी पर कलाओं को परखा और जांचा जाता है। अब इसकी आगे जब इसका विमर्श आगे बढ़ता है तो इसके बारे में दूसरी मूलभूत जो समस्या है और जो कठिनाई आती है वो इस तरह की है कि जो रस सिद्धांत है उसका जो भरतमुनि का सूत्र है उसके व्याख्याकार उसको किसने आगे बढ़ाया। तो जो भरतमुनि का सूत्र था, तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, तो उसमें देखते हैं कि हमें इस विमर्श को उसमें निष्पत्ति का अर्थ क्या है और संयोग शब्द का क्या अर्थ है, इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं रही और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए रस सिद्धांत क्रम से आगे बढ़ा। और उसके लिए हमें 9वीं शताब्दी के आसपास भट्टलोलट के आरोपवाद को, समकुक के अनुमितिवाद को और भट्टनायक के भुक्तिवाद को और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद को एक तरह से रस की व्याख्याओं के लिए रसवाद है उनको बढ़ावा देते हैं और अलग अलग जो निष्पत्तिवाद की तरह अलग अलग रसवादों को जन्म दिया। इसको हम पुनः समझते हैं कि समकुक ने अपना जो रसवाद दिया भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए, तो उन्होंने अनुमितिवाद दिया। भट्टलोलट ने जो अपना रसवाद दिया वो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के नाम से जाना गया और भट्टनायक का जो रसवाद था वो भुक्तिवाद के नाम से अपनी जगह बनाता है। इसके बाद में अभिनव गुप्त का जो रस सिद्धांत रहा वो अभिव्यक्तिवाद के नाम से पहचाना गया, अर्थात उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति शब्द से लिया। ठीक उसी तरह से अब हम देखते हैं कि भरतमुनि ने अपने जो रस सिद्धांत है उसमें 8 ही रसों को मान्यता प्रदत्त की, जबकि वर्तमान में रसों की सर्वमान्य परंपरा जो अधिकांशतः मान्यता प्रदत्त परंपरा है, जो बलवती धारा है, वो 9 रस की रही। तो हाँ यह ठीक है, हम भी मानते हैं कि जो भरत ने 8 ही रसों को अपने रस प्रतिपादन में उनका स्मृत किया और जो 9वां रस शांत रस उसका बीज रूप ही जो भरतमुनि की अवधारणा है, रस सिद्धांत की थ्योरी है, उसमें प्राप्त होता है। पर सर्वप्रथम जो शांत रस को एक रस के रूप में उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम अभिनव गुप्त ने अपनी पुस्तक अभिनव भारती में किया। अतः जो 9 रस की जो परंपरा है उसको सर्वप्रथम स्थापित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है और उन्होंने 8 रसों के साथ जो भरतमुनि ने उपलब्ध कराए 8 रस, उनके साथ में 9वां रस शांत रस को भी रस के रूप में अंगीकार कर अपने अभिव्यक्तिवाद में उसको स्थापित किया और इस तरह से 9 रस की जो परंपरा रही उसको बलवती किया। इसलिए 9 रस की परंपरा के प्रथम प्रतिपादक अभिनव गुप्त माने जाते हैं और उनकी पुस्तक अभिनव भारती में उसे प्रथमतः प्रतिपादित किया 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब हम देखते हैं कि क्या भरतमुनि से पूर्व भी रस की परंपरा विद्यमान थी। तो हम अपने जो रस विमर्श है भरतमुनि के निष्पत्तिवाद से संबंधित उस चर्चा में भी इसे पाते हैं कि भरतमुनि ने स्वयं अपनी रस की जो परंपरा है उसको उन्होंने महात्मा ध्रुवीण से स्वीकार करना माना और कहा कि ध्रुवीण से पूर्व ध्रुवीण के साथ में उस परंपरा में सदाशिव, तंडु, नंदी और वासुकी इत्यादि रस परंपरा के आचार्यों के नाम आते हैं।
पर आज दुर्भाग्यवश उनका कोई लिखित इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अतः लिखित प्रमाणों को आधार मानते हुए ही भरतमुनि को रस सिद्धांत का आदि आचार्य स्वीकार कर लिया जाता है। पर रस की जो बेशक रस की जो ये परंपरा रही वो भरतमुनि से पूर्व से प्रचलित रही, और इस परंपरा में एक तरह से देखा जाए तो वो चाहे लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होगा या हो सकता है वो श्रुति परंपरा रही होगी, पर रस भरतमुनि के पूर्व से विमर्श का विषय रहा। अब हम देखते हैं कि रस की आज क्या प्रासंगिकता है। तो आज भी जब रस एक तरह से मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, भावों से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो मनुष्य स्वयं एक सामाजिक प्राणी और भावनाओं का उसके साथ गहरा संबंध रहा है। प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक क्षण उसे अलग अलग भावों से गुजरना होता है, और भावों की ये जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को उसके अंदर तक अपनी जगह बनाती है। अतः रस एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी खरा उतरने के कारण आज भी सभी कलाओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है, और उसकी जो प्रासंगिकता है वो काल के प्रहार मतलब समय से एक तरह से आगे निकल चुकी, और वो उस समय जब इसका प्रतिपादन हुआ था उसके साथ न्यूनाधिक बदलावों के साथ आज भी अपनी प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध करती है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि रस की जो परंपरा रही वो एक तरह से बलवती परंपरा रही, और आज भी उसका जो अक्षुणता है वो जो कि त्यों बनी हुई है, और सभी कलाओं की समीक्षा के लिए रस एक आधारभूत तत्व है, और उनकी स्वीकार्यता आज भी दिन प्रतिदिन जो कि त्यों है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बढ़ती जा रही है। तो रस जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र रहा उसका एक तरह से पौर्वात्य पर्याय है, और इस पौर्वात्य पर्याय में हम ये देखेंगे कि सौंदर्य शास्त्र तो बहुत मतलब लगभग बामगार्टेन ने जो प्रथमतः शुरुआत की सौंदर्य शास्त्र की, उससे तो रस सिद्धांत लगभग 1200-1200 के आसपास जो साल है उन इतना पूर्व का है हमारा जो रस सिद्धांत है। तो हमारे जो मनीषियों ने जो ये चिंतन किया वो उसकी व्यापक निधि है, और इस निधि को जो है वो भारतीय कला समाज के लिए सौंदर्य काव्य शास्त्र के लिए एक अमूल्य देन है जो हमेशा चिरस्मरणीय रहेगी। तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारा विमर्श रहा उसमें इस तरह के प्रश्न आए और उनकी जिज्ञासाएं जो रही उनसे संबंधित जो समाधान रहे, मैं आशा करता हूँ कि मैंने देने की कोशिश की होगी, और इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। मुझे लगता है सभी बच्चों की जिज्ञासाएं और जिज्ञासाओं के अलावा भी जो प्रश्न उनके जहन में उठ रहे होंगे वो सब आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और सभी बच्चों को मैं वापस से याद दिलाना चाहती हूँ कि ज्ञानदूत का जो क्लासेस हैं लाइव वो अगला सप्ताह फिर गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को होंगी, और इतवार को चौथे इतवार को वापस से आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपना समय दिया बच्चों के लिए, और ये कार्यक्रम ऐसे ही अच्छे से चले। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लाइव क्लासेस चलाना जो आयुक्ताल ने हमारे लिए प्रयास किया है वो बहुत अच्छा है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच में अच्छा संवाद स्थापित हो रहा है। शुक्रिया। थैंक यू।